जय देवा मासुआ महाराज, जय देवा मासुआ। बोठा बासी को चाल दापवासी, तुम चारिये भाई। पांच पांडवे होनोड़ो साजी, देवलाड़ी माई। जय देवा मासुआ महाराज, जय देवा मासुआ। गुतु बिरावड़े कोंडारी गोयरे, तेरे ऊंचे थरण। गरीबी का तारण हार, तू चिंता हरण। जय देवा मासुआ महाराज, जय देवा मासुआ। क्या आपने कभी सुना है कि पहाड़ों में एक महीने के बाद दिवाली मनाई जाती है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, देहरादून और हिमाचल में भी एक महीने बाद दीपावली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे हम बूढ़ी दीपावली और मंगसीर की दीपावली भी कहते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है और क्यों लोग एक महीने बाद दिवाली मनाते हैं, इसी को जानने के लिए चलते हैं उत्तरकाशी के एक खूबसूरत गाँव गैर बनाम। जब से मेला राजकीय हुआ है तो इसकी एक समिति स्थापित हुई है। मैं उस समिति का, मेला समिति का इसका अध्यक्ष भी हूँ यहाँ पे। और जो आपने कहा कि ये मेला प्राचीन है, या उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमें हमारे जो पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, जो हमारे पूर्वज भी रहे हैं, तो उन्होंने जो हमें बताया ये कब से मेला चल रहा है, इसका कोई ऐसा प्रॉपर इतिहास नहीं। ये कहा जाता है कि अनादिकाल से जो है ये मेला जो यहाँ पे चल रहा है। और आज ये मेला जो है मंगसीर के माह में जो अमावस्या का जो दिन होता है, अमावस्या के दिन ये मेला, उस ये तिथि अमावस्या के दिन ही निर्धारित है। उसी दिन इस देवलांग महापर्व को हम यहाँ पे मनाते हैं। और इस मेले को मनाने के लिए जो व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं, वो 60 से 65 गाँव के जो लोग हैं उनको दो थोकों में बांटा गया है। एक साठी थोक है, एक 500 थोक है। और दोनों थोकों में जिम्मेदारियां दी गई हैं। थोकों का आशय ये है कि हम उन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई कि कौन देवलांग को लाएगा, कौन उसे सुसज्जित करेगा, कौन उसकी उसका जो है पूजन करेगा, कैसे यहाँ पे जो हमारे पुजारी हैं कैसे जो विधि विधान से यहाँ इसका पूजा अर्चना करते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेकर के ये मेला बना है। और उस मेले में अपने अपनी जिम्मेदारियों का हर खुशी खुशी जो है हर गांव अपने प्रतिभाग करता है और जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करता है। मनाया इसलिए जाता है कि इसमें इसके बहुत उद्देश्य हैं। एक तो ये कि जो अमावस्या की जो रात है, उस रात को कहा जाता है कि वो रात जो है बहुत अंधकार की रात होती है। और ये आशय जो इससे निकलता है वो ये कि अंधकार को चीरते हुए, अमावस्या का भी जो सबसे गहरा अंधकार होता है, उस अंधकार को चीरते हुए ये उजाले की ओर हमें प्रशस्त करता है। और जो हम मिसाल जो यहाँ पे जलाते, जैसे मसाल जिसे हम ये कहें कि एशिया की सबसे बड़ी मसाल हम उसे कहते हैं, वो मसाल अभी यहाँ पे जो अभी आप कुछ देर बाद देखेंगे, अभी ये देवदार का विशालकाय वृक्ष अभी लाएंगे और उसको सुसज्जित करने का काम होगा, उसी को जो है जो अंतिम पहर जो रात्रि का होता है, उस पहर में जो है इसको जो है अग्नि प्रज्वलित करके जो है डंडों के माध्यम से, ओलों के माध्यम से इसको खड़ा किया जाता है। मैं कहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में जो माइग्रेशन है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जहाँ जहाँ मेले की संस्कृति समाप्त हो चुकी है वहाँ पलायन हो चुका है, और जहाँ जहाँ मेले थोले संस्कृति बची है वहाँ माइग्रेशन रुका हुआ है। तो इस लिहाज से जिसमें सरकारों का और समाज का और बड़े बड़े सोशल मंचों का बड़ा हल्ला है, उसके लिए सबसे बड़ा प्रयोग ये है कि जो पौराणिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है इनको सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से ही यूँ ही मनाया जाएगा, तो लोग आपस में जुड़े होते हैं, सामाजिक एकता का ताना बाना बना रहता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि
इस क्षेत्र के जो भी लोग दूरस्थ क्षेत्रों में देश विदेशों में नौकरियां करते हैं, इस पर्व के लिए सब लोग घर आते हैं। दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए अपने घर को आते हैं, घर को साफ करते हैं, तैयार करते हैं, तो जुड़ते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, भरा भरा समाज बनता है। तो यही यहाँ के पूरे जो गाँव का जो वातावरण है, जो जीरो माइग्रेशन की हम बात करते हैं, इन्हीं मेले संस्कृतियों की देन है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है इन चीज़ों के लिए। एक बार अपने आर्टिकल में एक बात लिखी थी कि पूरा जो हिमालय हमारा, उसका जो सबसे ऊंचा भाग है जिसमें बर्फ रहती है, उस क्षेत्र में सोमेश्वर पाए जाते हैं। वो आपके कश्मीर से लेकर के हमारे इस गढ़वाल क्षेत्र से, रमाई क्षेत्र से, गंगा घाटी से घुतू बिलंगना तक है। और नीचे जो हिमालय की नदी घाटियां हैं, वहां पे मासू संस्कृति है। और मासू संस्कृति का एक कश्मीर के बाद, कश्मीर से जो शुरू होता है, ये आखिरी पड़ाव है गैरगांव, जहां पे मासू संस्कृति समाप्त हो जाती है। तो ये जो रात का पर्व है, ये मासू संस्कृति में जागर की तरह मनाया जाता है, जागड़ा की तरह मनाया जाता है। तो जागड़ा का ही एक स्वरूप है जो मंगसिर की बगवाल के साथ मनाया जाता है, इसी को हम देवलांग बोलते हैं। तो ये देवलांग है, ये पूरी मासू संस्कृति है। आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो गर्भगृह में आपको एक भव्य शिवलिंग नजर आएगा, और मंदिर के बाहर पूरा राम दरबार है। भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी की आपको मूर्तियां मिलेगी, जो आज बाहर दर्शनार्थ ये दो उपस्थित है। देखिए सर, जो हमारा देवता है, ये मूल रूप में इसे मासू देवता का एक अवतार माना जाता है। मासू देवता के जो विभिन्न रूप हैं, उनमें से एक रूप जो है राजा रघुनाथ, जो हमारे मंदिर में स्थित है, उसका एक रूप है यहाँ पे। तो जैसे आपने सुना होगा, मासू देवता का जागरा होता है, वो भी रात को होता है। तो ये मासू का ओला, इसको मासू का ओला बोलते हैं। ये एक पौराणिक गीत है, साटियो पंसायो रात बियाणी, मासू का ओलोंदी रात बियाणी। तो ये मासू का ओला है। और इसको अगर मनाने का, अगर इसका तर्क देखा जाए, तो ये बूढ़ी बगवाल बोलते हैं हम इसको। दीपावली जो बड़ी बगवाल है, ये बूढ़ी बगवाल के दिन ये मनाया जाता है। तो वो एक बूढ़ी बगवाल का पर्व भी हो गया। और अमावस्या होती है, तो अमावस्या का मतलब है कि उस दिन घोर अंधेरा होता है, और अगले दिन जब ध्रुवतारा, जैसे ध्रुवतारा दिखता है, उसी के समाप्त जैसे ध्रुवतारा दिखता है, उस समय ये मेला आयोजित होता है, यानी लगभग सुबह के 5-6 बजे। तो ये माना जाता है कि अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असत्य की हार और सत्य की विजय, इसका भी प्रतीक है ये। रामायण से भी कुछ संबंध? बिल्कुल सर, रामायण से संबंध इसका है, क्योंकि जो महासू देवता है, तो महासू अपभ्रंश रूप है महाशिव का। अगर हम महासू का, अगर इसका तत्सामिक रूप देखें, तो महाशिव को कहा जाता है महासू। तो जब आपने हमारा ये मंदिर देखा होगा, तो इसके गर्भगृह में महाशिव स्थापित है, और जो इसका बाहर जहाँ पे पूजा अर्चना होती है, वहाँ पे रघु परिवार है। तो अगर उस दृष्टि से भी अगर देखा जाए, अगर हम रामायण से इसको जोड़ते हैं, तो रामायण में क्या है कि राम भगवान जो हैं, उनका जो रघु परिवार है, राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी, उनके जो नाथ हैं वो कौन है? शिव हैं। तो अर्थात रघु का नाथ, और इस हिसाब से भी ये महाशिव हो गए। गर्भगृह में जो मूल रूप से हैं, वो महाशिव हैं, जिसका अपभ्रंश रूप है, यानी उसका जो अपभ्रंश रूप बन जाता है, वो महाशिव बन जाता है। करीब 6 बजे जो देवदार की एक लंबी लकड़ी होती है, पेड़ होता है उसको, जब उसी को देवलांग कहा जाता है। तो 6 बजे से उसको जो साटी और पानसाई दोनों तोक के लोगों ने उठाना शुरू किया, जब उसको उठाना शुरू किया, तो दो बार वो जो देवलांग है वो नीचे गिर गई। गिरनी नहीं चाहिए थी, गिरना सब सही नहीं माना जाता। उसके बाद धीरे धीरे करीब 6:30 बजे से लेकर उसको उठाना शुरू किया, और अभी जो समय है लगभग
7 बज चुके हैं, अगर मैं समय देखूं तो 7:40 हो गए हैं, यानी इस पूरी देवलांग को खड़ा करने में लगभग 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया है, और अब थोड़ा सा और रह गया है। जो कैंची है, लकड़ियों की कैंची बनाई गई है, उसको सपोर्ट और जो और अन्य लकड़ियाँ हैं उसके सपोर्ट से धीरे 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 उसको उठाया गया है। एक तरीके से देखें तो ऐसा ही त्यौहार झंडा मेला होता है देहरादून में, और झंडा मेला भी बहुत फेमस है। इस त्यौहार को भी राजकीय पर्व घोषित कर दिया गया है, और सरकार इसमें कुछ धनराशि भी खर्च करती है, हर साल देती है। झंडा मेला में भी एक बहुत बड़ी लकड़ी है जिस पर गिलाफ चढ़ाए जाते हैं, और उसके बाद बहुत सारे लोग उसको रस्सियों के सहारे, डंडों के सहारे धीरे धीरे खड़े करते हैं। अब थोड़ी देर में धूप निकल चुकी है, पूरा गांव जो है वो धूप की किरणों से उजाले में नहा गया है, लेकिन मान्यता यह है कि जब इस लकड़ी को, देवलांग को खड़ा किया जाता है और उसको जलाया जाता है, और उसकी जो रोशनी होती है वही बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वही इस देवलांग का मुख्य अर्थ भी होता है कि जो अमावस्या की काली रात थी, उस काली रात में इस देवलांग को जलाकर रोशनी फैलाई जाती है, वो सबकी सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के लिए ये पूरा त्यौहार मनाया जाता है। थोड़ी देर और इंतजार करिए, उसके बाद पूरी देवलांग खड़ी होगी और उसको फिर जलाया जाएगा। देवलांग जो है वो थोड़ी देर पहले तीसरी बार गिर गई, और उसके बाद जो है वो दोनों गुट, साठी और पानसाई जो लोग हैं उनके बीच अब बहस हो रही है कि किसकी गलती की वजह से गिरा है। पहले भी 2 बार जब गिरा था तो फिर उस बार लगातार बहस हो रही थी दोनों साठी और पानसाई में, और इस बार फिर से गिर गया। तो ये जो साठी और पानसाई हैं नेगी जी, ये तीसरी बार ये गलत हो गया, और देवलांग के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। पहली तो मेले का जो आयोजन था 80 डिग्री तक उठा दिया गया था, 80 मतलब 90 डिग्री रहने वाला था, सीधे खड़ा होता उससे पहले ही वो गिर गया। अब बहस हो रही है वहाँ पे मंदिर के ठीक सामने, अब देखते हैं थोड़ी देर में और क्या होता है आगे। अभी और एक हमारे इससे पहले एक बार ऐसा हुआ है हमारी यादाश्त में, और हमारे रीति रिवाज और परंपराओं के आधार पर यह है कि जब भी ऐसा होता है, ये पेड़ गिरता तो कई बार है, उठाते हैं, गिरता रहता है, उठाते हैं, दोनों थोकों के लोग साठी और पानसाई इधर उधर से जोर लगाते हैं। अब तो सारे लोग सभ्य हैं, पहले जो है लोग खा पी करके इत्यादि इस पर जो अनशन जोर लगा करके ये गिरता रहता उठता रहता था, लेकिन टूटा नहीं आज तक। और एक बार जब पहले टूटा तो ये परंपराएं हैं कि टूटे हुए पेड़ को हम अशुभ मानते हैं, और जब तक हमने दोबारा इसकी जगह पेड़ खड़ा नहीं किया, इसके बाद हमारे देवता का जो हवन मड़केश्वर महादेव का होता है वो तभी यहाँ पर हवन किया जाएगा जब यहाँ पर जो है हम पेड़ खड़ा कर लेंगे। पेड़ लेने चले गए हैं लोग, पेड़ दोबारा आएगा, अगर दोबारा भी टूटता है तो तिबारा आएगा, लेकिन ये हमारी एक परंपरा है कि जब तक जो है सीधी चोटी का पेड़ जो है यहाँ पर खड़ा नहीं होता है तब तक इसे जो है हम अशुभ मानते हैं, टूटे हुए पेड़ पर उसे हम खड़ा नहीं कर सकते, यानी खंडित को हम अशुभ मान करके जब तक जो है हम राजा रघुनाथ जी का जो है पेड़ यहाँ पर खड़ा नहीं करेंगे, उसके पश्चात ही जो है मड़केश्वर में जो है हमारा जो है हवन होगा। जब हमने मंदिर जो समिति है और जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानना चाहा तो देवलांग के इतिहास में ये दूसरी घटना है जब पूरा जो देवलांग है वो टूटा है। परंपरा ये है कि जब देवलांग टूटेगा तो उसके बाद नया पेड़ काटने के लिए लोगों को भेजा जाता है, और जब तक नया पेड़, अगर वो दूसरा पेड़ आएगा वो भी टूटेगा तो तीसरा पेड़ लेने के लिए लोग जाएंगे, और खड़ा पेड़ जो हरा पेड़ है उसको लगाया जाएगा। और जब तक ये देवलांग यानी जो पूरा देवदार का वृक्ष है इसको खड़ा नहीं किया जाता, ये परंपरा जारी रहेगी। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं ये सोचकर कि जो देवलांग का पेड़ है वो टूट गया है तो अब देवलांग खड़ा नहीं किया जाएगा, लेकिन जो समिति के लोग हैं उन्होंने कहा कि परंपरा ये है कि जब भी पेड़ टूटता है, पहली बार ये घटना हुई, इससे पहले ये दूसरी घटना है, तो दोबारा पेड़ लाया जाता है और जो पेड़ है वो पेड़ खड़ा किया जाता है, मान्यता है इस बार। लेकिन अब दूसरे पेड़ की इंतजार कर रहे हैं लोग, और उसके बाद उसको खड़ा करने की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी।
त्यौहार है वो हमारे इष्ट देव राजा रघुनाथ जी का है। यह प्रत्येक वर्ष मंगसिर के भगवान में मनाया जाता है और इसमें गांव के जितने भी लोग बाहर रहते हैं या उत्तराखंड के कोने कोने से लोग आते हैं इस त्यौहार को देखने के लिए और सभी लोग इसको मिलजुल कर मनाते हैं। देवलांग जो देवदार का पेड़ था उसको सही उसकी जगह पर मंदिर प्रांगण में दूसरी बार लगा दिया गया और उसके थोड़ी देर बाद जो देवलांग था उसमें आग लगा दी गई। ये परंपरा जो है वो सदियों से चली आ रही है जो पूरी इस इलाके की जो बनाल के साथ जो देवलांग का त्यौहार है वो मनाते हैं। पहली बार जब इसको उठा रहे थे उसके बाद वो बीच में गिरा और टूट गया, लेकिन दूसरी बार पेड़ दोबारा लाया गया, दोबारा काट कर जंगल से देवदार का पेड़ लाया गया और दोबारा इसको फिर से खड़ा करके उसमें आग लगा दी गई और बड़े ही धूमधाम से लोग जो है अभी आग की तपिश बहुत ज़्यादा है इसलिए उसके किनारे हैं। जैसे ही आग की तपिश कम होगी तो जो तमाम लोग हैं वो इसके चारों तरफ चांदी नृत्य करेंगे। जय देवा मासुआ महाराज, जय देवा मासुआ बोठा बासी को चाल दा पवासी तुम चारी ये भाई पांच पांडवें होनोड़ो साजी देवलाड़ी माई। जय देवा मासुआ महाराज, जय देवा मासुआ गुतु बिरावड़े कोंडारी गोयरे तेरे ऊंचे थरण गरीबी का तारण हार तू चिंता हरण। जय देवा मासुआ महाराज, जय देवा मासुआ। इसका है सर कि गुत्तू बिरौड़ कंडारी गुत्तू टिहरी में है और कंडारी जिला उत्तरकाशी में है और बिरौड़ टिहरी जिले में ये जौनपुर में गुतु बिरौड़े कोंडारी गैर गांव ये है जहाँ पे हम अभी प्रेजेंट है। गुतु बिरौड़े कोंडारी गैर है तेरे ऊंचे थरण तेरे ऊंचे मंदिर है गरीबी का तारण हार तू चिंता हरण। मतलब आप जो चिंता हरण है प्रभु, जो भी आपके यहाँ रात लगाता है, जो यहाँ पे आता है आस्था से, उनके दुख दूर करते हैं आप और सुख समर दिलाते हैं। ये रात भर मंडाण लगेगा, रात भर पूरा मंडाण लगेगा। इसके ऊपर मासु देवता के ऊपर कई चीजें, एक लाइन और थी, खाटू वालो खाड़ी बसो या थोइने तेरे ऊंचे थानो घडू आलेंदा ताऊ देवा रघुनाथ मानो। जय देवा मासुआ महाराज, जय देवा मासुआ। जो समाज अपनी संस्कृति और लोक उत्सवों को नहीं भूलता वो समाज उन्नति करता है और देवलांग जो मेला है, जो पर्व है, उसमें आकर ये देखा भी जा सकता है। लेकिन समय के साथ साथ इस देवलांग के जो मेले हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव तो ज़रूर आया है और जो तमाम गांव वाले हैं जो इस मेले का आयोजन करते हैं उन्हें समझना होगा कि मेले का वास्तविक स्वरूप उसके मूल में विद्यमान है। इस कई बार यहाँ पर जब लोग आ रहे थे अलग अलग गाँव से, यहाँ मेला प्रांगण में पहुँचे तो हुड़दंग की स्थिति हुई और उनको संभालने में भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी। भविष्य में ऐसा ना हो और देवलांग उत्तरकाशी जिले का नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का एक आदर्श मेला साबित हो, इसकी कोशिश सभी को करनी चाहिए और जो मेले में जो उसका मूल तत्व है, जो यहाँ के लोक नृत्य हैं, जो पहनावा है, जो खान पान है, वो भी ऐसे ही बरकरार है। फिलहाल रूरल टेल्स को इजाज़त दीजिए, संदीप गुसाई फिर आपको किसी और गाँव में लेकर चलेगा किसी और नई कहानी के साथ। फिलहाल जय नंदा, जय हिमाल।